सुनसान जंगल में खंडर। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अत रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं। ऐसा दूर से देखने में लग ही रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूली ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूली को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूली खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हां में सर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चौंककर पीछे मुड़ा और अपने सामने आदमी की वर्दी पहने हुए एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस फौजी युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे से किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन अशोक हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन अशोक की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन अशोक को सिस्टर जूली की कही बातें बताई। उसकी बातें सुनकर कैप्टन अशोक के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो तुम सिस्टर जूली से भी मिल चुके हो जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन अशोक के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक ओर एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन अशोक ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने लगा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन अशोक ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है।
लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन अशोक, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसने मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको। तभी कैप्टन अशोक की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया जी? क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका, जो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकार क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन अशोक के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच न पाओ। कैप्टन अशोक के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन अशोक ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के दो सैनिक हमारे सैनिक की वर्दी में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले अनजानों को ठहरने की इजाजत दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन अशोक ने अपनी बात जारी रखी, कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए, हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन अशोक के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन अशोक ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 11 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 40 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ मालूम नहीं। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे ही नींद से जागा, मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में ना जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की लेकिन
वे यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और तुम तक पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, राहुल ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब बिल्कुल सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन अशोक था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जहाँ से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो मेरी ऐसी हालत देखकर सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया और जैसे ही मैंने वहां देखा तो मुझे एक अजला खंडर दिखाई दिया जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। बस फिर क्या था कि मैं वहां से सभी लोगों को अकेला छोड़कर कैंप की तरफ दौड़कर तेजी से भागने लगा और थोड़ी देर बाद जब सब लोग कैंप में आ गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम वहां से भाग क्यों आए। राहुल ने उन्हें एक एक बात जो कि क्यों बताई। फिर क्या था कि वो सब राहुल की बात सुनकर दंग रह गए और उस कैंप से उसी समय सभी वापस आ गए और दोबारा कभी भी उस जंगल में नहीं गए। काल्पनिकता कभी कभी सच भी होती है।